बेहद अहम बड़ा दिन इस कांड के लिए। आपको बता दें, बिकरू कांड में बनी एसआईटी आज शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। एसआईटी टीम को 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई थी और इसके लिए एसआईटी की टीम ने बिकरू गांव जाकर पूछताछ की थी। गुरुवार को कानपुर सर्किट हाउस पहुंचकर बिकरू कांड से जुड़े अधिकारियों और गवाहों से बंद कमरे में भी पूछताछ की गई। ये बता दें कि कानपुर कांड में यूपी सरकार की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुल 9 बिंदुओं पर जांच की, जिसमें कई अधिकारियों और पुलिस वालों की भूमिका की जांच हुई। वो 9 बिंदु कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको हम वो बता देते हैं। विकास दुबे और सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई हुई। इसके बाद विकास दुबे की जमानत को रद्द कराने के लिए क्या एक्शन लिया गया, ये भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा कितनी शिकायतें मिली, पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका इसमें रही, विकास और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर गुंडा एक्ट पर कितनी कार्रवाई हुई, विकास दुबे और उसके गुर्गों की 1 साल की सीडीआर की जमानत के खिलाफ गैंगस्टर गुंडा एक्ट पर कितनी कार्रवाई हुई, विकास दुबे और उसके गुर्गों की 1 साल की सीडीआर की जांच, घटना के दिन आरोपियों के पास मौजूद हथियारों की जानकारी पुलिस को थी, विकास और सहयोगियों ने कहां से कैसे और कितनी संपत्ति अर्जित की है इसका भी ब्यौरा उसमें होगा, सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जे के मामले में अधिकारियों और पुलिस की भूमिका क्या थी, इसके अलावा विकास दुबे और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत और फाइनेंसर की संपत्तियों की जांच। और अब आपको दिखाते हैं कि कानपुर के बिकरू कांड में बनी एसआईटी की टीम ने कौन कौन शामिल है। अपर मुख्य सचिव संजय भसरेड्डी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक जे रविंद्र गौड़ को टीम में बतौर सदस्य शामिल किया गया। तो ये वो नाम जो एसआईटी की टीम में शामिल है। कौन कौन से सदस्य हैं वो चेहरे के साथ हम आपको नाम भी बता रहे हैं कि ये टीम जो है वो किस तरीके की है, कौन कौन इसमें शामिल है।